नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर में इसाउली विधायक ताहिर खान ने गांव में चौपाल लगाकर जनता की शिकायतों को सुना और तत्काल से वहीं संबंधित अधिकारियों को फोन लगाकर स्पीकर पर उनके निस्तारण के बारे में जनता को अवगत कराया। विधायक मोहम्मद ताहिर खान की इस कार्यशैली से जनता में काफी खुशी है और लोग विधायक के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सुल्तानपुर में बल्दीराय ब्लॉक के पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश अग्रहारी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के मौके पर कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता और महान चिंतक और विचारक थे। इसके साथ ही वो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। अमेठी जिलाधिकारी निशानंद और पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने जामो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर सीएससी परिसर में साफ सफाई रखने का निर्देश दिया। अमेठी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह ने बताया कि संस्थागत प्रसव में जुलाई 2024 के सापेक्ष अगस्त 2024 में संस्थागत प्रसव के लक्ष्य में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। अमेठी जिलाधिकारी निशानंद और पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र गोंदीपुर का औचक निरीक्षण किया। अमेठी जिला सेवा योजना अधिकारी ने बताया कि इजराइल में निर्माण श्रमिकों को रोजगार के लिए भेजा जा रहा है, जो भारत सरकार और इजराइल सरकार में अनुबंध हुआ है। अमेठी में मुंशीगंज थाना प्रभारी प्रेमचंद गौतम ने 6 सितंबर को गड़ा माफी निवासी किशन लाल के 2.5 साल के बेटे ऋतिक रोशन को खोजने के लिए खेतों और जंगलों में सर्च अभियान चलाया है। प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत सराय भीमसेन में रामदीन पुत्र बदल अपने मृत्यु के लगभग 2 महीने बाद ही मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं और मास्टर रोल में 30 अगस्त से लगातार 13 दिन तक ऑनलाइन हाजिर भी हो रहे हैं। जौनपुर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने अपने कार्यकाल के 10 दिन में ही लगातार विभागों में औचक निरीक्षण कर वरासत, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, IGRS से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाजीपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी भवन के लिए भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने जिला संवाददाता न्यूज टाइम नेशन शहबाज खान को निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के साथ जनता के मुद्दों को उठाने के लिए सम्मानित किया और साथ ही न्यूज टाइम नेशन का आभार व्यक्त किया खबरों को निष्पक्ष रूप से प्रसारित करने के लिए। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने बिजली विभाग के एक्सियन और SDO पर मनमानी और जबरदस्ती करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी योगी सरकार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। लखीमपुर खीरी के पलिया इलाके में जमकर बरसात हुई, जिससे आम जनता को गर्मी से राहत मिली। पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। लखीमपुर खीरी में कपिलस फाउंडेशन छोटी काशी काव्य कुंभ का आयोजन विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया और खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा ने मंच का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस काव्य कुंभ में 150 घंटे तक लगभग 700 कवि काव्य पाठ करेंगे। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।